आज हम आप लोग को संकटी चतुर्थी के सात उपाय बताऊंगी। अगर आप लोग ये उपाय कर लेते हैं तो आपके पुत्र की लंबी आयु होगी और सभी सुखों की प्राप्ति होगी। संकटी चतुर्थी श्री गणेश जी की प्रिय तिथि है। इस दिन कुछ सरल उपाय करके आप श्री गणेश जी का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने पुत्रों की लंबी आयु की प्राप्ति भी होगी। आइए जानते हैं कि इन उपायों से प्रसन्न होकर श्री गणेश आपको अपना शुभ आशीष और अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए ये उपाय जरूर करें। पहला उपाय, संकटी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल, मोदक और गुड़ का नवेद अर्पित करें। इस उपाय से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय, श्री गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, अतः संकटी चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी को पूजन के समय सिंदूर तिलक करके पश्चात स्वयं की सिंदूर का तिलक करें और फिर श्री गणेश का पूजन करें। मान्यता अनुसार सिंदूर सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है तथा श्री गणेश को प्रिय भी होने के कारण सुखमय जीवन बनेगा। तीसरा उपाय, अपार धन संपत्ति चाहिए तो आ धन दाता श्री गणेश स्त्रोत का पाठ करें। मंत्र, ओम श्री श्री ही कली श्री कली वित्तेश्वराय नमः की 11 माला का जाप करें। चौथा उपाय, संकटी चतुर्थी पर शमी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख दरिद्र दूर होती है। पांचवा उपाय, जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पाना हो तो इस दिन श्री गणेश को 11 दुर्वा अर्पित करते समय श्री गणपते नमः मंत्र का जाप करें, आपकी समस्या का हल होगा। छठा उपाय, खुद का घर लेने के इच्छुक हो तो संकटी चतुर्थी के दिन श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें, लाभ अवश्य होगा। सातवां उपाय, जीवन में कोई विशिष्ट उपलब्धियां चाहते हैं तो पूजा में लाल वस्त्र तथा लाल चंदन का ही प्रयोग करें। अगर सिर्फ मन की शांति और संतान की प्रगति चाहते हैं तो सफेद या पीले वस्त्र धारण करके पूजन करें। अगर आप लोग ये सात उपाय कर लेते हैं तो ये बताएं, आप करके आजमाइए और बताइएगा जो ये उपाय करने से आपको क्या चीज का लाभ हुआ। श्री गणेश भगवान की जय।